नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मगध विश्वविद्यालय में डिग्री मिलने की हुई शुरुआत। 2023 संसद रत्न अवार्ड के लिए बेस्ट सांसद के नामों की हुई घोषणा। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा खुलासा। बजट का आकार बढ़ाना बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती। जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर सामने आया बड़ा अपडेट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मगध विश्वविद्यालय में डिग्री मिलने की हुई शुरुआत। अगर आप भी मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही के द्वारा छात्रों को डिग्री मिलने में हो रही परेशानी को देखते हुए बैकलॉग डिग्रियों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अब तक विश्वविद्यालय के 11,000 छात्र ऐसे हैं जिन्हें आवेदन करने के कई माह के बाद भी अब तक डिग्रियां नहीं मिल पाई है और छात्र इंतजार में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कुलपति के द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि 1 मार्च से पहले बैकलॉग डिग्रियों पर हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुलपति के द्वारा लगभग 1,000 डिग्रियों पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। पटना, पुणे और मुंबई रेलवे स्टेशन से 101 केजी सोना बरामद। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI के द्वारा देश के 3 शहरों से 101.7 किलोग्राम गोल्ड की बरामदी की गई है। इसके साथ ही DRI के द्वारा इस तस्करी में शामिल 10 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें से सूडानी नागरिक शामिल है। बता दें कि सोने की खेप तस्करों के द्वारा नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके विभिन्न शहरों में ले जाया जा रहा था। दरअसल DRI के द्वारा यह जांच सूचना मिलने के आधार पर की गई है, जिसके बाद यह बात सामने आई है कि यह तस्करी मुख्य रूप से देश के 3 शहरों में की जा रही थी, जिसमें पटना, मुंबई और पुणे शामिल है। बरामद की गई गोल्ड की कीमत 51 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खर्चों का हिसाब नहीं देने वाले वीवी पर शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने 2 दशक से सरकार से मिली राशि का लेखा जोखा सरकार को नहीं सौंपा है। बता दें कि ऐसे विश्वविद्यालयों को विभाग की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया है कि इतने समय के अंदर वे बकाया राशि सरकार के खाते में जमा करें। वहीं वैसे विश्वविद्यालय जो हिसाब नहीं देते हैं या राशि में गबन करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनिक से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। दरअसल विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया था कि वे शिक्षक कर्मियों के वेतन, पेंशन समेत अन्य विकास मदों में दी गई राशि का हिसाब जमा करें, लेकिन इसके बावजूद भी इस आदेश को विश्वविद्यालय पदाधिकारी नजरअंदाज करते रहे, जिसके बाद विभाग के द्वारा राज्य के 13 विश्वविद्यालय के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। अहमदाबाद, पटना के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। होली आने वाली है और ऐसे में सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन यात्रियों को ट्रेन में टिकट न मिल पाने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे के द्वारा यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए अहमदाबाद से पटना के लिए होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि यह होली स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 6 मार्च की सुबह 9:10 बजे चलेगी और फिर पटना से यह ट्रेन 7 मार्च को वापस लौटेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिनमें सेकेंड एसी के 2, थर्ड एसी के 6 और स्लीपर के 8 डब्बे शामिल होंगे। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 4 SLR और LWLRRM का 1-1 डिब्बा भी शामिल होगा। मोटरसाइकिल रैली को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर 112 एवं जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली की विशेषता को लेकर अपनी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली की मदद से हर जगह पर गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और बिना जानकारी लिए दूसरों को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, ताकि समाज में शांति बनी रहे। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 112 को लेकर कहा कि आज 112 पर कॉल कर अगर किसी भी तरह की मदद के लिए कहा जाता है, चाहे वह मामला आपराधिक हो या आगजनी से जुड़ा हो या फिर चिकित्सा सुविधा से जुड़ा हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। शिल्पी राज को लेकर भोजपुरी सिंगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते दिन मंगलवार को बक्सर के SP मनीष कुमार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि बक्सर में पुलिस के द्वारा शिकायत मिलने के बाद शिल्पी राज के एक मामले को लेकर एक भोजपुरी सिंगर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए सिंगर का नाम अहमद राजा है, जो 20 साल का है और सिमरी थाना क्षेत्र के काजीपुर का रहने वाला है। दरअसल अहमद राजा ने शिल्पी राज को लेकर एक गाना बनाया था, जिसमें उसने अश्लील शब्दों का उपयोग किया था, जिसके बाद
मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा अश्लील गीत गाने के मामले में FIR दर्ज कर सिंगर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वही सिंगर अहमद राज ने स्वीकार भी किया है कि उसने वह गाना गाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के मामले को लेकर पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। चलती राजधानी एक्सप्रेस में हुई चोरी, बिहार में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला कटिहार रेलवे स्टेशन का है, जहां 17 फरवरी को दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस सफर के दौरान जब 18 फरवरी को कटिहार स्टेशन पहुंची और लगभग 10 मिनट रुकने के बाद दोबारा चलने लगी, तो चोरों के द्वारा चलती ट्रेन से उस ट्रेन में सफर कर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी के मैकबुक लेकर चंपत हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस चोरी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई और रेल पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि उस मैकबुक में उनके जीवन भर की मेहनत से तैयार की गई लेखनी मौजूद है जो छापने के लिए बिल्कुल तैयार थी, इसलिए वो मैकबुक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेहा सिंह राठौर के घर जाकर यूपी पुलिस ने दी नोटिस। इन दिनों लोक कलाकार सिंगर नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ नोटिस जारी की गई है, जिसमें उनसे 7 सवाल पूछे गए हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी नेहा सिंह के द्वारा खुद ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दी गई है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर के साथ उनके पति भी दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा यह नोटिस नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हाल ही में आए उनके गाने यूपी में काबा सीजन 2 को लेकर जारी की गई है। मालूम हो कि नोटिस में लिखा गया है कि उनकी गीत ने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है। इसके साथ ही नोटिस में यह भी लिखा है कि इस नोटिस का जवाब नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर दे और अगर आपका संतोषजनक जवाब नहीं पाया जाता है तो आपके विरुद्ध IPCC RPC की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बजट का आकार बढ़ाना बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है, वहीं बजट की पेशी 28 फरवरी को की जाएगी, जिसमें महागठबंधन सरकार के द्वारा कई योजनाओं को उतारने की तैयारी की जा रही है और साथ ही लाखों लोगों को रोजगार देने की भी बातें की गई है। ऐसे में अर्थशास्त्री का मानना है कि बिहार सरकार के लिए बजट का आकार बढ़ाना चुनौती से भरा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी का मानना है कि अगर इस बार बिहार सरकार वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट के आकार में 10-20% तक की भी बढ़ोतरी करती है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे में सरकार का बजट 2,60,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। वहीं नवल किशोर का कहना है कि बजट का आकार बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। बिहार में नहीं मिलेगी अब ये नौकरी। बिहार में अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 4 दर्जन से ज्यादा पदों को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब इन पदों पर बिहार में कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं ले पाएगा। हालांकि अगर विभाग के द्वारा कुछ पदों को खत्म किया गया है तो वहीं दूसरी ओर कुछ पदों को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें कि इन पदों को सृजन करने में सरकार को 75.16 लाख रुपए से अतिरिक्त खर्च करने होंगे। मालूम हो कि विभाग की ओर से निम्न वर्गीय क्लर्क और कार्यालय परिचारी के कुछ पदों को खत्म कर दिया गया है। वहीं जिन पदों को बढ़ाया गया है उनमें लिपिकों के पद को बढ़ाकर 49 से 120 करने का निर्णय लिया गया है। 2023 संसद रत्न अवार्ड के लिए बेस्ट सांसद के नामों की हुई घोषणा। सांसद रत्न अवार्ड 2023 को लेकर बेस्ट सांसद के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। बता दें कि इन 13 सांसदों में 8 लोकसभा और 5 राज्यसभा के सदस्य शामिल है। हालांकि इन 13 सांसदों में से केवल एक सांसद ही बिहार का शामिल है, जो राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा है। वहीं अन्य 12 सांसदों के नाम जिन्हें बेस्ट सांसद के लिए नॉमिनेट किया गया है उसमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के विद्युत बरन महतो, डॉक्टर सुंकात मजूमदार, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, भाजपा के विजय कुमार गावित, गोपाल सेट्टी, सुधीर गुप्ता, एनसीपी के डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे, सीपीएम के सदस्य जॉन ब्रिटस, राजद के मनोज झा और एनसीपी की फौजिया तहसीन अहमद खान के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खेला बैडमिंटन। आज सुबह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने कैप्शन में नीतू चंद्रा की तारीफ करते हुए लिखा है कि बिहार की बेटी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बॉलीवुड सीनियर स्टार नीतू चंद्रा जी ने साथ में बैडमिंटन खेला। जीवन में खेल के महत्व को कम नहीं माना जा सकता। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारा व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण एवं नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। जिसके जवाब में नीतू चंद्रा ने रीट्वीट कर लिखा, बिहार का भविष्य आपके हाथों में है, इस बात की संतुष्टि है हम सब बिहारियों को। बस 6 महीने में बिहार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पास हो गई जो सालों से रुकी थी। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। यू आर अ फैबुलस प्लेयर एंड अ टीम प्लेयर, हेंस अ विनर। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा खुलासा। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान मैरवा प्रखंड में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद मैंने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि आप मुख्यमंत्री मत बनिए, आपको मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है, अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई बड़ा भाई रहेगा जिसकी ज्यादा संख्या होगी और उसकी ही चलेगी। उन्होंने कहा कि 2015 में मैंने ही महागठबंधन बनवाया था, मैंने इनकी राजनीति देखी है। अगले विधानसभा चुनाव में ये सात दल साथ में रहकर चुनाव नहीं लड़ सकते। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने लिए गलत रास्ता चुना है और गलत रास्ता चुनने पर खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। जब उनकी पार्टी को 2020 में ही बहुमत नहीं मिली थी तो पता नहीं आगे क्या होगा। जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर सामने आया बड़ा अपडेट। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार बुमराह ने पिछले 10 दिन में एनसीए में कुछ खास अभ्यास मैच खेले हैं, लेकिन अब भी उन्हें क्लियरेंस का इंतजार है। हालांकि बीसीसीआई ऐसी उम्मीद कर रही है कि आईपीएल 2023 के सीजन से पहले बुमराह पूरी तरह फिट हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुमराह काफी लंबे समय से चोट लगने की वजह से खेल से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने टी20 विश्व कप 2022 समेत कई महत्वपूर्ण सीरीज और टूर्नामेंट मिस किए हैं। फिलहाल अभी बुमराह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमर आजाद, मृत्युंजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजेश कुमार, विकास कुमार सिंह, कुमारी संजना, सदुल्लाह पलवी, महमूद अंसारी, उपेंद्र कुमार, रवि कुमार राम, संदीप कुमार, शंकर मुखिया, अंशु प्रिया, रवि शंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटुर रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली से आम लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।